नमस्कार। आज का हमारा पाठ नौबत खाने में इबादत, और इसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। आज मैं आपको इस पाठ का सार बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीरुद्दीन की, जो सिर्फ 6 साल का है। अमीरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम है, आप ये ध्यान में रखिए। और उन्हीं के बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन है, जो 9 साल के हैं। अमीरुद्दीन की उम्र इतनी कम है कि उन्हें अभी म्यूज़िक का कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि उन्हें ये नहीं पता है कि राग कौन सी चिड़िया को कहते हैं। उनके मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। भीम पलासी भी संगीत की एक राग है और मुल्तानी भी संगीत की एक राग है। 6 साल के बालक को अभी यह पता नहीं है कि राग किसे कहते हैं, इसलिए वह राग के विषय में कुछ भी जानता नहीं है। लेखक के मामा जो हैं सादिक हुसैन और अली बख्श, दोनों का नाम क्या है, सादिक हुसैन और अली बख्श हैं, जो हमारे देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मांगलिक कार्यों में हम इसे प्रयोग में लाते हैं, साथ ही बालाजी के मंदिर में भी बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान पिछले 80 वर्षों से शहनाई बजा रहे हैं, और 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने शहनाई बजाना शुरू कर दिया था, और वे शहनाई का लगातार अभ्यास करते रहते थे। और वो साथ ही परमात्मा को ये कहते रहते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यानी कि मेरी शहनाई से अच्छे सुर निकलें। हमेशा वो भगवान को ये प्रार्थना किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन में सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि सबसे अच्छे हैं, और वो लगातार निरंतर शहनाई बजाते रहते हैं और अपने शहनाई से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि सच्चा सुर ही उनकी शहनाई से आना चाहिए। और उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा अच्छी से अच्छी शहनाई बजाना चाहते हैं। काशी में संगीत का आयोजन होता ही रहता है, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान रहते हैं, और संकट मोचन मंदिर जो है उसमें हमेशा संगीत का आयोजन होता रहता है। जब हनुमान जयंती आती है तो बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन अवश्य ही होता है, और वह अपने आप को पूरी तरह से शहनाई को समर्पित कर चुके हैं। बालाजी के मंदिर और काशी विश्वनाथ दोनों ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ पर बिस्मिल्लाह जी शहनाई बजाते हैं। उनकी काशी विश्वनाथ के प्रति जो है श्रद्धा बहुत अधिक है। काशी में संकट मोचन मंदिर जो है शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है, और यह हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक यहाँ पर लगातार बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन होता है। बिस्मिल्लाह खान जो थे कभी भी काशी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर गंगा है, बाबा विश्वनाथ हैं, और बालाजी का मंदिर है, और उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर शहनाई बजा रही हैं। बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई भी स्वर्ग जैसी जगह नहीं है, यानी कि जन्नत ही नहीं है, और वह मरते दम तक काशी में रहना चाहते हैं, शहनाई को बजाना नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें काशी से ही शहनाई की शिक्षा मिली थी। आज की काशी भी संगीत के स्वरों से जागती है, और संगीत की थपकियां उसे सुलाती हैं, यानी कि सुबह होते ही काशी में संगीत शुरू हो जाता है और रात तक संगीत चलता रहता है। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के कारण ही सुबह लोग प्रभाती काशी को जगाती है, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनकर ही लोग सुबह सुबह उठते हैं। काशी में मरना जो है
वो एक मंगलमय बात माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि काशी शिव की नगरी है और यहाँ मरने वाले व्यक्ति को शिवलोक प्राप्त हो जाता है और जन्म मरण के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यह लेखक का मानना है, यतीन्द्र मिश्र जी ने अपनी इस पुस्तक में यानी कि इसमें पाठ में ये लिखा है कि इस तरह की बात है कि जो काशी में मृत्यु प्राप्त होती है जिसे उसे मोक्ष मिल जाता है। काशी के पास बिस्मिल्ला खान जैसा हीरा है जो हमेशा अपने संगीत से काशी में प्रेम का रस बरसाता रहता है और उसने काशी वासियों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। काशी को आनंद कानन क्यों कहा जाता है? यहाँ इस पाठ में ये प्रश्न एक उठता है। आनंद कानन का तात्पर्य होता है कि खुशी का स्थान। खुशी का स्थान क्यों कहा जाता है? क्यों इसलिए कहा जाता है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर विश्वनाथ विराजमान हैं और उनकी कृपा से यहाँ हमेशा आनंद मंगल बना रहता है। विभिन्न प्रकार की संगीत सभाओं का जो आयोजन किया जाता है उसके कारण यहाँ पर हमेशा उत्सवों का वातावरण बना रहता है और इसीलिए हमेशा आनंद ही आनंद छाया रहता है। बात आती है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव क्या है? डुमराव जो है इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यहाँ सोन नदी के किनारे एक घास पाई जाती है जिसका नाम नरकट घास होता है और उस घास से इस शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है और उस रीढ़ से ही शहनाई को फूंका जाता है। उस्ताद जो हैं उनका जन्म भी डुमराव में ही हुआ था और उनके दादा पैगंबर बख्श खान भी डुमराव के निवासी थे, इसलिए इस गांव को ज़रूर याद किया जाता है। शहनाई जो है सुशीर वाद्य है यानी फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र होता है और बिस्मिल्ला खान को उनकी शिष्या पाठ में फटी तहमत ना पहनने के लिए कहती है, तो वो कहते हैं कि सुर नहीं फटना चाहिए, फटी हुई लुंगी तो सिल भी जाती है लेकिन यदि सुर फट जाए तो उसे सिला नहीं जा सकता है। काशी के पक्का महल एक क्षेत्र है, वहाँ पर स्थान का नाम है पक्का महल। वहाँ से मलाई बर्फ बेचने वालों का चला जाना बिस्मिल्ला जी को अच्छा नहीं लगता है और काशी में पहले जैसी देसी घी की जलेबियाँ और कचौड़ियाँ भी नहीं बनती हैं। गायकों के द्वारा रियाज ना करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। रियाज यानी प्रैक्टिस, संगीत की जो प्रैक्टिस करते हैं गा करके उसे रियाज कहा जाता है। बिस्मिल्ला खान हमेशा मंदिर में शहनाई बजाते थे और वे मुहर्रम के दिनों में 8वीं तारीख पर खड़े होकर के शहनाई बजाते थे और दाल मंडी में फातवान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चल करके जाते थे। उनके मन में किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। उनकी संस्कृति जो थी वो मिली जुली थी और उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण और डॉक्टरेट आदि अनेक उपाधियाँ दी गई थी, लेकिन वो सदा सच्चे और सीधे इंसान की तरह अपना जीवन बिताते थे। बिस्मिल्ला खान भारत के सच्चे सपूत थे। इस प्रकार से हम बिस्मिल्ला खान जी का जो जीवन है पूरी तरह से शहनाई को समर्पित है और यही हम इस पाठ में पढ़ते हैं। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब